सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना बड़ा एवं संगठित उद्योग है। इस उद्योग का विकास पूर्णतया भारतीय पूंजी एवं प्रबंध द्वारा किया गया है। यह उद्योग न केवल भारतीयों के लिए वस्त्र उपलब्ध कराता है, अपितु निर्यात के लिए भी माल तैयार करता है। इस समय यह उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% और सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान कर रहा है। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को इससे रोजगार प्राप्त है। सूती वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश की सकल निर्यात आय में इसका योगदान लगभग 17% है। विभिन्न योजनाओं में यह प्रयास किया गया है कि यह उद्योग देश की आंतरिक मांग को पूरा करने, प्रति व्यक्ति कपड़े के उपभोग में वृद्धि करने तथा पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने में समर्थ हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। मिलों की संख्या बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, लेकिन इसके विपरीत प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो गई है। इस उद्योग की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम भी स्थापित किया गया है। वर्ष 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006 में देश में क्रमशः 41,973, 42,383, 45,378, 49,577 तथा 53,389 मिलियन वर्ग मीटर टेक्सटाइल फैब्रिक्स का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2006-07 में देश में 26,238 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़ा, 6,882 मिलियन वर्ग मीटर मिश्रित कपड़ा तथा 20,269 मिलियन वर्ग मीटर हस्तनिर्मित रेशा कपड़े का उत्पादन हुआ है। वर्तमान में 94% उत्पादन हैंडलूम व पावर लूम के माध्यम से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा हैंडलूम व पावर लूम को अनेक सुविधाएं एवं रियायतें देना है। इस काल में मिलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में यहां 383 मिलें थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 1,824 हो गई है। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन 12,000 करोड़ रुपए मूल्य का है। चीनी उद्योग देश के प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में से एक है। कुटीर उद्योग के रूप में इसका विकास 3000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, किंतु बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ। कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय बृहत्तम उद्योग है। यह उद्योग न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, बल्कि उप उत्पादों तथा सह उत्पादों से संबंधित उद्योगों को विकसित करने की क्षमता भी रखता है। 1932 में इस उद्योग को प्रशुल्क बोर्ड की सिफारिश पर संरक्षण प्रदान कर दिया गया।
तत्पश्चात नियोजन काल में इस उद्योग ने तेजी से प्रगति की है। 1950-51 में चीनी मिलों की संख्या 138 थी, जो मार्च 2009 में बढ़कर 624 हो गई थी। 20 अगस्त 1998 को केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग पर 1931 से लागू लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी है। योजना काल में चीनी के उत्पादन में उच्चावचन होते रहे हैं, परंतु इसका उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। वर्ष 1950-51 में चीनी का उत्पादन 11.34 लाख टन था, जो बढ़कर 1970-71 में 37.40 लाख टन, 1990-91 में 120.47 लाख टन तथा 2000-2001 में 184.21 लाख टन हो गया। वर्ष 2007-08 में यह 263.0 लाख टन रहा। नियोजन काल में इस उद्योग के विकास की प्रमुख घटना सहकारी क्षेत्र का तेजी से विकास होना है। वर्तमान में कुल चीनी उत्पादन का 60% सहकारी क्षेत्र में तथा शेष 40% निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। वर्ष 2010-11 में चीनी के अच्छे उत्पादन की संभावनाओं के चलते केंद्र सरकार ने चीनी के वायदा कारोबार पर से प्रतिबंध हटा लिया था। इससे 19 माह के अंतराल के पश्चात यह कारोबार दिसंबर 2010 में पुनः शुरू हो गया है। चीनी के उपभोग में भी वृद्धि हुई है, अर्थात 1981-82 में यह 57.11 लाख टन था, जो 2006-07 में बढ़कर 190 लाख टन हो गया। इस उद्योग में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। पटसन उद्योग सन 1885 में आरंभ किया गया था। इसके पश्चात इस उद्योग का धीरे धीरे विकास होता गया। भारतवर्ष में आधुनिक पटसन उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने की इसकी क्षमता ही इसके महत्व का कारण है। वर्ष 2004-05 में देश में 78 इकाइयों में स्थापित कुल कड़घों की संख्या 45,000 थी। यह उद्योग 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही लगभग 40 लाख परिवारों को काश्त कृषि से भी आजीविका प्राप्त कराता है। देश विभाजन के बाद से ही यह उद्योग कच्चे माल की कमी के चलते भारी संकट का सामना करता चला आ रहा है, क्योंकि पटसन का 70% से भी अधिक कृषि योग्य क्षेत्र इस समय बांग्लादेश में है। सन 1951 में कच्ची पटसन का उत्पादन 33 लाख गांठे थी, जबकि पूर्ण क्षमता के स्तर पर पटसन उद्योग की कुल आवश्यकता 72 लाख गांठे थी। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में सघन और विस्तृत खेती के अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए। इनके परिणाम स्वरूप कच्ची पटसन का उत्पादन बढ़कर 1960-61 में 41 लाख गांठे और 1971 में 49 लाख गांठे हो गया। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि हुई और 1999-2000 में यह 159 लाख गांठों तक पहुंच गया। यह एक सराहनीय उपलब्धि है।